नमस्कार ए टू जेड डिशेस उषा खुर्जानी में आप सबका स्वागत है मैं एक सिंधी हूँ आप सभी को पहले से ही पता है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ और हमारी सिंधी स्पेशल एक दो रेसिपी ऐसी है ना जो आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगी जैसे कि सिंधी कड़ी भुगल चावल जो प्याज का एक पुलाव होता है पर उसे हम भुगल चावल बोलते हैं और सिंधी कोकी ये ऐसी फेमस रेसिपीज़ है तो आज उसी रेसिपीज में मैं आपको बताने जा रही भुगा चावल इसे काफ़ी लोग भुगल चावल भी कहते हैं पर इसे मैं आज आपको बताने जा रही कन की चावल में से वैसे तो बासमती या छोटे चावल में से बनाया जाता है पर मैं कनकी चावल में से बताऊँगी तो मैंने ये दो कप जितने कनकी चावल लिए अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे इसे दो से तीन उसके बाद कढ़ाई में मैंने डाल दिया है दो चम्मच तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना तो एक चौथाई चम्मच जीरा और तीन इस तरह से लंबे कटे हुए प्याज और दो हरी मिर्ची इस तरह से टुकड़ों में कटी हुई अब प्याज को लाल होने तक भूनना है अब देखिए जो भुगल चावल है भुगल चावल इसमें आपको ध्यान यही रखना होता है कि इसका जो प्याज है ना आपको अच्छे से भूनना है अगर प्याज आप थोड़ा सा भी अच्छे से नहीं भूनेंगे ना तो आपका जो ये ये जो भुगल चावल है ना इसका कलर अच्छा नहीं आएगा तो डिपेंड करता है पूरा प्याज पर देख सक रहे हैं इस तरह से प्याज हो जाए ना तब तक भूनना है उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक और आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल दें अपने स्वाद के अनुसार आप नमक मिर्च डाल सकते हैं उसके बाद ये चावल आपको डाल देना है कन के चावल देखिए मैं कन के चावल में से आज आपको बता रही हूँ तो दो कप पानी दो, मतलब दो कप चावल है न तो तीन कप पानी डालना है कढ़ाई में बना रहे तो और इसी के साथ थोड़े से धनिया के पत्ते अब इसे हम ना खुला ही पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख जाए तो तकरीबन इतनी क्वांटिटी के चावल पकने में ना मतलब ये जो भुगल चावल है ना ये पकने में पानी सूखने में चार से पाँच मिनट लगेंगे बीच बीच में मिक्स भी करते रहना है देखिए बस इस तरह से बिल्कुल हल्का सा पानी रह जाए ना तो इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम कर लीजिए यानी कि बिल्कुल धीमी आंच पर हम पाँच से छः मिनट के लिए पकाएंगे तेज आंच नहीं कीजिएगा नहीं तो नीचे से जल सकता है तो देख सकते हैं पाँच से छः मिनट हो गए हैं और ये बढ़िया सा हमारा सिंधी स्पेशल भुगल चावल बनकर तैयार है अब आप चाहे तो इसे दही के साथ खाएं या अचार के साथ तो ये कन के चावल में से भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत 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 ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है तो ट्राई कीजिए और जाते, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग